उधरों पंजाब सरकार ने भी खासी झड़ पई है, कहने के हाई कोर्ट वाले पास कहते भाई तुम सामभ संभाल ही नहीं करते, खास करके हाँ जी जिन्हें कह लो कि इतिहासिक चीज़ा ने गिया। हूँ हाँ ये जी मामला भी देख लो कि दीवान टोडरमल हवेली के नाल जुड़ा हुआ। मिंटू जी, ये हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं आख्या कि द पंजाब इनिशियंट एंड हिस्टोरिकल मैन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइंस एंड रीमेंस जी साइट्स एंड रीमेंस एक्ट 1964 की धारा 6 के तहत जी ये कहिंदे आ कि तुसीं एस जी पी सी दे नाल एग्रीमेंट करके जिहड़ियां इस तरह दियां जिवें तुसीं कहा कि इमारतां ने इतिहासिक इमारतां ने इन्हां नूं बई मूल रूप दे विच वापस लियाओ। तां हाई कोर्ट ने काफ़ी इन्हां नूं कह लो कि सख्त लहजे च कहा वा जी, पर मैनूं समझ नहीं आउंदी कि जे ये लोग सिखां दियां वोटां दे मद्देनज़र बोलणगे ते इन्हां तों वड्डा तुहानूं सिख प्रस्त किते नज़र ही नहीं आएगा जी। जे ये एस सी भाईचारे दियां वोटां ते अख रखण ते फिर एडा दलित प्रेम तुसीं किते वेखोगे नहीं जी। जे हिंदू भाईचारे बोलण ते वो उन्हां नूं भी बड़ा ज़्यादा वड्याउंदे ने जी भाई। गल ये कि असल जिम्मेवारियां तो तुसीं भज रहे हो। ये ना पटीशन पाई सीगी शायद अरोड़ा साहब ने, हाँ जी, सीनियर एडवोकेट हरिचंद अरोड़ा, हाँ जी, एच सी अरोड़ा जी, उन्हां दी पटीशन सी जिहदे ते सुनवाई करदे उन्होंने एक मतलब कि इन्हां नूं चलो झाड़ चंब वह तो पंजाब सरकार वास्ते नवी नहीं है, वह तो जिवें असी स्कूल च पढ़ते सानूं पता ही हुंदा सी वी गेट च वड़ गए तो छित्र खा के निकलना पूरी छुट्टी सारी छुट्टी तक भाई कितने ना कितने पै ही जाने हैं, पढ़ाई तो बचांगे शरारत शरूरत तो हो जाना। तो उदा ही हुंदा कि मेरे अर्गे नलायक बंदे का माइंडसैट ही उदा का हुंदा। साडी सरकारां दा भी हाल जिहड़ा है ना, साडियां सरकारां दा वह भी कुछ इहो जिहा कि हाई कोर्ट च जाके सानूं फुल थोड़ा बरसने आ कहने झाड़ नाल भी खड़ा छुड़दा छुड़ाया हुआ आज पैनी ते लानत मलानत आ ना जी। तो फिर दो पहियां विसर गईयां तन मेरा शरीर जिने चल लईयां बस गल ते ओ है ना जी जी भी ये ते तुसी मन के ही चलो कि झाड़ां फिटकारां ये सरकारां दे हिस्से आउंदियां ही ने, पर गल ये आ कि ये किसी भी अज तक क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले नूं हुण बहुता दोष इत्थे आपां नहीं दे सकदे जी। बहुत लंबा समा राज कीता कांग्रसियां ने जी, बहुत लंबा समा राज कीता अकालिया ने, कि अकालिया भी वो जदों सरकार सी कि अकालिया भी अजिहा करन दा कदे नहीं आउड़िया जो आइडिया जां जो सलाह जां जो हुक्म हाई कोर्ट अज आम आदमी पार्टी की सरकार नू दे रहा वा भाई वो अकालिया क्यों नहीं चेते आया कदे किस तरह कर लीए कि जे सरकार दे कंट्रोल च कोई ऐसी इमारत जां जिहदे ते कब्जा हो चुका वा तां ओह सारियां चीज़ां यार करके तां एस जी पी सी नूं कहो कि हाँ भाई असीं जो भी कोई पेपर फॉर्मेलिटी है मुकम्मल करदे हाँ ते तुसीं संभालो तुसीं करो। इसलिए देख लो तो मैंने लगता कोई टिप्पणी आई नहीं गल करनी कोई भी नहीं मेरे कांग्रेसी कहड़ा बोले हो हाँ जी नहीं तो फिर उल्ट चले जाना ना मामला कि राज तो तुसी करते रहे आम आदमी पार्टी वाले तो हुण कई मामले च सिर्फ झाड़ा खाणी जांदे आ क्योंकि पुआड़े तो तुहाडे भी हुंदे ने जी जी ये तो वो आते होंगे ना खाण पीन बांदरी ते डंडे खाण जी तो कई बार तो कहानी भी हो जाती है। सो गल ये कि मैनू इउं लगता है कि बहुत कुछ हाले भी पंजाब च संभालिया जा सकता है। तुसीं देख लो बडरुखां तो लग जाओ आप जो जाने महाराजा रणजीत सिंह का हाँ जी किड्डा वड्डा स्थान आ, फिर जे तुसीं उधर गुरदासपुर बन्नी जाओ ना इन्निया जगह ने संगोल मतलब कि पुरानी सभ्यता तो लैके आधुनिक इतिहास तक हाले भी ये छोटा जिहा खिता जिहड़ा बहुत सारिया चीज़ां समोई बैठा पर असीं संभाल नहीं सके। ये बदकिस्मत खास तौर पर सिख कौम की बड़ी बदकिस्मती मैं देखी आ इस मामले च कि वो दर्शनी ड्योढ़ी का रौला पै गया सी तुहानूं याद होना तरन तारण सब कमेटी बनाई अज तक वो रिपोर्ट नहीं आई मैं किन्ने उस सारा कुछ आख्या सीगा उस साध नूं किन्ने आख्या सीगा कि किन्ने भेजा मतलब कि बहुत इतिहासिक धरोहरां च इन्हां नूं आपां कह दिंदे आ ना पता नहीं क्यों समझ नहीं आउंदी। मैं कहिंदा आही सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने
अंग्रेजा को म्यूजियम च बदल दिया कर झट च। तो टोडरमल जी का तो आप जो नाँ लें तो सिजदा अपने आप ही हो जाता है, हो जाता कि नहीं जी। आप जो कथावां कहानियां सुनते हैं कि साहबजादियां दा जो अंतम संस्कार करना सीगा तो वो जगह उन्होंने अशरफियां रख के खरीदी है, यही आप मत गिणते हैं ना, यही सुनते हैं। तो देखो किड्डी वड्डी किसी की कलना हो सकती है ना। हुण आपां इतिहासकार तो है नहीं जी। पर आपां कथा कहानियां तो यही सुनिया ना। तो बई जे उस बंदे की हवेली इस हालत च होवे तो जो वापस आ जाए अज दे टाइम तो मैनू लगता हाई कोर्ट वाली लानता तो फिर कुछ भी नहीं होनी, वो तो बड़िया पाएगा तो बहुत पाएगा। सानू अपने आप ही खास तौर पर सरकारां दी गल करदे आ कि सानू अपने आप ही इन्हां चीज़ों नू संभालना चाहिए। और इहदे नाल टूरिज़म जिहड़ा है चाहे वह धार्मिक टूरिज़म आ चाहे एक इतिहासिक वृत्ति वाले भी होंगे ना जिहड़े इतिहास नू लभदे फिरदे टोलदे फिरदे आ, असीं उहनां नू भी जोड़ सकते हैं। खोज कार्ज करदे जिहड़े लोग उहनां नू असीं आकर्षित कर सकते हैं। पता नहीं क्यों ये भी इन्वेस्टमेंट दा पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ां होनियां चाहीदियां ने जी। आ संगोल वर्गे जिथे मतलब कि एक सभ्यता के अंश मिलते हैं असं उन्होंने किन्ना को प्रमोट कर सके अज तक। मैं लगता अपने पंजाबियों च बहुत इन्हें पता नहीं होना संगोल कितने अही लगता संगोल जो जानवर च आता जी। बहुत सारिया चीज़ा ने ये तो चलो मामला चला गया। उस तो बिना किन्ने इस तरह के होंगे इतिहासिक चीज़ा जिन्हें कोई कदर ही नहीं होनी कदरदानी होनी चाहिए सी। हाँ जी 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 जी। इस तो बार मिंटू जी आप अगे वाल चल गए जी। कोई गल नहीं भाई फिल्म बारे आप किसी दिन फिर गल कर लेंगे मिंटू जी जरा ना अगले हफ्ते। हाँ भी कहने भाई कि मेरा काम काज ठीक है। चलो हम दूजे हफ्ते चो जाएगी तो फिर पता लगेगा नहीं काम कर। देखो गल की है अपने अर्गियां भाई सीधी गल है ना आपका मेहनत ना लेना ठीक है जी। उस तो बाद फिल्म का बिजनेस जो साढ़े थोड़ी टिके आता। और तीजी गल कि बिजनेस रिपोर्टा इन्नी जल्दी नहीं बनती होंगे जी। जे कोई चीज़ वर्ल्ड वाइड जाती है ना थिएटरिकल कलैक्शन टैक्स कट के बहुत वो प्रोड्यूसर का पार्ट हों जी रिलीज़ करती है कंपनी उन्हों का पार्ट हों थिएटर मालकों का पार्ट हों बहुत लंबी चौड़ी ये तो एवं रिपोर्टा होंगे आ हो गया वो गया उडवी जी गल हों अखीर दे किन्ने किन्ना लॉस खाधा है लॉस पहला बोल रहे हैं किन्ना मुनाफा वो कुछ कु फिल्मों के हिस्से आता है वो बहुत लंबे समय बाद क्लीयर हुंदा है कि शुद्ध मुनाफा तुहाडा किन्ना बनया टोटल खर्चे दे विच इहदा बजट फिल्म दा काफ़ी सीगा। बाकी वधिया फिल्म सोम मंगल बुधवार होल्ड कर गई नहीं तो वर्किंग डेज़ से कोई फिल्म बचती नहीं कितने पंजाबी मूवी वीकेंड का ही आसरा हुंदा इत्थे वीकेंड ठंडा सी दूजे दिन मतलब कि होल्ड कर गया। हाँ जी वो एवरेज मेंटेन कर गया एटलीस्ट क्योंकि साढ़े कोई बहुता प्रचार साधन इन्ना है नहीं सीगा। लोगों की फिल्म वेखी लोगों की सिलाई है लोगों दी चीज़ा होंगे जी हुण पब्लिक की चीज़ आ जो हो गया जो आपे जिन्हां जिन्हां ने वंडना वंडी जाएंगे जी 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 जी। तो इस तो बाद जो रह गया वैसे वेख के वह फिल्म अच्छी है मैनू तो जिन्हें भी वेखी है मैसेज करता है। हाँ ठीक है आलोचना भी होंगी है कुछ पक्ष तो कई बार मेरे अपने क्योंकि साड़ी मित्र मंडली ऐसी है वो कह देंगे यार आ चीज़ इदा होंगी ना तो होर बैटरमेंट हो जानी सी कबूल है यार चीज़ा असी आलोचना करते कोई साड़ी नहीं कर सकता असी कोई परफेक्ट थोड़ी है। हाँ जी तो मतलब कि सारी चीज़ा पर 99% मैनू जिन्हें भी मेरे जानकार ने हुण तक मैसेज किया वेख के तो कहते कि अच्छा तो कई तो रो के निकले है जिन्होंने वो सारिया कहानियां पता सीगियां ना जी सारिया कहानियां तो वाकफ सी वो तो नम अखा दे नाल जी जी। तुसी भी जाओ उम्मीद करना जाओगे तो निराश नहीं होंगे जी जी। लो भाई जाओ फिर वीकेंड देते तो घट्टो घट देखी आए अज का दिन तो तुम्हें पता कि निकल गया शनिवार एतवार बचा। तो इस तो बाद बलविंदर जी करे जी संगोल पिंड बारे वैसे नहीं पता लगना जे किसी ये कहेंगे कि बब्बू मान के पिंड लागे आ फिर जल्दी समझा दूंगा क्या बात है वेख लो है ना। हाँ जी बहुत घट लोगों को पता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इधरों ढींडसा जी कहने कि 28 वाले बाई खन्ने का लगता है मैंने पता नहीं खन्ने का तो 26 है पता नहीं कितों का बई चलो दस भी दे कितों उच्चा पिंड संगोल कहने के। हाँ उच्चा पिंड संगोल जी जी। देखो ये चीज़ा ने अपने को हाँ जी बड़िया ही चीज़ा ने सू
कंजरी वाले पुल का ही नहीं पता होना कि मामला है जी। इत्थे वो शिल पई है ना, सिल भी पई है जिदे ते वो अकबर नू ताजपोशी हुई सी जी।